हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान में पाठ 8 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 8 जिसका नाम है जीवों में श्वसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पाठ के जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करना। तो सबसे पहले हम विकल्प वाले प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पे पहला क्या कह रहा है देखते हैं। काकरोच में श्वसन होता है, तो काकरोच में श्वसन कहाँ से होता है? श्वास रंध्र द्वारा होता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है हमारा सवोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती? तो पसलियों की भूमिका नहीं होती, ठीक है। सवोच्छ्वास में पसलियों की भूमिका नहीं होती, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसके बाद अगला देखते हैं। सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है, तो ये कहाँ पे होती है? ये श्वास नली में होती है, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान भरना है, तो यहाँ पे भरा हुआ है, हम एक बार पढ़ते जाते हैं। नासिका की गुहा को नास गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिका की जो गुहा होती है इसको हम नास गुहा कहते हैं। नासा गुहा की दीवार पर श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिससे कि हम जब सांस लेते हैं तो वो उन हवा के द्वारा जो हवा में उपस्थित धूल कण होते हैं या कीटाणु जीवाणु होते हैं वो जाके इसमें चिपक जाते हैं और वहीं पे रुक जाते हैं, हमारे अंदर नहीं जा पाते। इसके बाद अगला देखते हैं। व्यायाम करते समय श्वसन दर बढ़ जाती है। हम जब कोई भारी काम करते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, तो श्वसन दर क्या होती है? बढ़ जाती है। काकरोच श्वास रंध्र के द्वारा श्वसन करता है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा, यहाँ पे देखिए भरना है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम? यहाँ पे हम भरेंगे ऊर्जा क्या होती है? श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, क्या होती है? मुक्त होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे मुक्त, आप यहाँ पे आप मुक्त भर लेंगे, मुक्त नहीं, मुक्त भर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सही गलत का निशान लगाना है, तो चलिए पहला देखिए। अधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, तो गलत है। ज़्यादा व्यायाम करेगा तो श्वसन दर बढ़नी चाहिए। अंतः श्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है, तो सही बात है। जब अंतः श्वसन यानी इनहेल करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन को हम अंदर ले जाते हैं, फेफड़े तक पहुंचाते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है? मेढक त्वचा और फेफड़े दोनों के माध्यम से श्वसन करते हैं, तो सही बात है। मेढक जब पानी में रहता है तो त्वचा से श्वसन करता है, और जब स्थल पर रहता है तो फेफड़े से करता है। अगला देखिए। उच्छ्वसन को निश्वसन भी कहते हैं, तो सही बात है। हवा, मतलब जब हम फेफड़े से हवा बाहर निकालते हैं उसको उच्छ्वसन भी कहते हैं और निश्वसन भी कहते हैं, ठीक है, तो सही है ये। पेड़ पौधे में रंध्रों द्वारा श्वसन होता है, तो ये भी सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमको स्तंभ का और स्तंभ खा में सही मिलान करना है। तो देखिए, अंतः श्वसन, अंतः श्वसन मतलब जब हम सांस को अंदर ग्रहण करते हैं, तो जब सांस अंदर ग्रहण करते हैं तो कौन सी हवा जाती है? ऑक्सीजन हवा जाती है, तो अंतः श्वसन में ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है। इसके बाद सवोच्छ्वास, सवोच्छ्वास क्या होता है? सवोच्छ्वास में हमारा अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों आ जाते हैं, तो ये दो सांसें मिल जाएगा। निःश्वसन, निःश्वसन का मतलब निकालना, तो कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, तो यहाँ पे ये इससे मिल जाएगा। वक्ष गुहा में क्या स्थित होता है? फेफड़े स्थित होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से मिलान हो गया हमारा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। यहाँ पे हमें इसको डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? श्वसन किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं श्वसन किसे कहते हैं। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने और फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की पूरी क्रिया को श्वसन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे ही हम श्वसन कहते हैं। इसके बाद सवोच्छ्वास से क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, सवोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं? तो वातावरण में ऑक्सीजन जो होती है उसको हम अंदर खींचते हैं, तो ये अंतः श्वसन कहलाती है। इसी तरह से जो फेफड़े में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम जब नाक के द्वारा बाहर निकालते हैं तो वो निःश्वसन कहलाता है, ठीक है। अब इन दोनों क्रियाओं को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? सवोच्छ्वास कहते हैं। दोनों क्रियाएं जब एक साथ कही जाती हैं तो उसको हम सवोच्छ्वास कहते हैं। सवोच्छ्वास में हमारा अंतः श्वसन और उच्छ्वसन ये दोनों आ जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। सवोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब सवोच्छ्वास और श्वसन में अंतर करना, सवोच्छ्वास का मतलब होता है ब्रीदिंग और श्वसन का मतलब होता है यहाँ पे हमारा जो रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है।
श्वास में ऊर्जा खर्च होती है और श्वसन में ऊर्जा बनती है, मिलती है, ठीक है। तो ये अंतर आप ध्यान से याद रखेंगे। श्वास में क्या होता है, अंतःश्वसन एवं उच्च श्वसन को सम्मिलित कर लेते हैं तो श्वास कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर निकलती है, ठीक है। और श्वसन में क्या होता है, श्वसन में जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है और फेफड़े से फिर हमारे रक्त में मिलती है और वो रक्त हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है और फिर साथ में क्या करता है, उन कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड वो रक्त कण लेता है और साथ में वापस आके उस कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े में छोड़ता है और फेफड़ा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के द्वारा बाहर निकालता है। इस क्रिया में ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो ये अंतर होता है, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, यही सारी चीज़ें इसमें लिखी भी हुई हैं। इसके बाद मानव के श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये आप लोग स्वयं कर लीजिए क्योंकि आपकी किताब में ये चित्र बना हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देख के बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे किस प्रकार श्वसन करते हैं, पौधे किस प्रकार करते हैं। देखिए क्या होता है, पौधे श्वसन अपने रंध्रों द्वारा करते हैं, उनकी पत्तियों में रंध्र होते हैं, उन रंध्रों के द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं, देखिए पौधे दिन के टाइम में जब सूरज निकला होता है तब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं, रात में वो ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो ये प्रक्रिया होती है श्वसन की, पौधे भी दिन रात हमेशा श्वसन करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, रात्रि में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जब मैं पाठ पढ़ा रहा था, अगर आपने पाठ को नहीं पढ़ा है इस पाठ को तो पहले आप इस पाठ को एक बार पढ़ लीजिए वीडियो के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में मैं इस क्लास की प्लेलिस्ट दे दूंगा जहाँ पे जाके आप इस कक्षा सात की जितने पाठ मैंने अब तक पढ़ाए हैं सारे आप देख सकते हैं। चलिए उसका उत्तर देखते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, दिन में सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ऑक्सीजन निकालते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन निकालते हैं ये लोग। लेकिन क्या होता है, रात्रि में जब रात हो जाती है तो रात्रि में ये सूर्य का प्रकाश तो इनको मिलता नहीं, जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा नहीं तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पे हती लिखा है, ये होती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते, तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, एक प्रदूषित दूषित गैस है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है, जिसके कारण हमारा दम घुटने लगेगा, तो दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला प्रश्न है, मछली किस प्रकार श्वसन करती है, सचित्र वर्णन कीजिए, तो मछली कैसे करती है, मछली अपने क्लोम्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा श्वसन करती है, गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती है। तो यहाँ पे मछली का चित्र है, यहाँ पे ये इसके क्लोम्स होते हैं, यहाँ से ये पानी को अपने मुंह से अंदर ले जाती है और ऑक्सीजन अवशोषित करके बाकी जो बचा हुआ पानी होता है उसको बाहर निकाल देती है गिल्स के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से मछली श्वसन करती है। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे आपके ये सारे हल हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान को अच्छे से पढ़ सकें, आसानी से समझ सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।